जेवीपी मीडिया ग्रुप द्वारा प्रताप नगर क्षेत्र में महिला स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के नए केंद्र का शुभारंभ झेलम अपार्टमेंट सोसाइटी में 29 मई 2018 को हुआ। जेवीपी मीडिया ग्रुप के इस महिला प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री डॉ. कैलाश वर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ और अध्यक्षता जेवीपी मीडिया ग्रुप के निदेशक एचआर किवाड़ा ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुल्तान सिंह चौधरी, झेलम अपार्टमेंट सोसाइटी अध्यक्ष पूनम कुमावत, आरपी जोशी, सीता चौधरी, बनवारीलाल जाट समेत विशिष्ट जन मौजूद रहे। इस महिला स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र का संचालन फैशन डिजाइनर अन्नूबाला चौधरी के निर्देशन में होगा, जहां पर महिलाओं को समुचित रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रतापनगर क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के लिए शुरू हुए इस प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं उन्हें स्वरोजगार के लिए लोन भी दिलाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. कैलाश वर्मा ने जेवीपी मीडिया ग्रुप की इस रचनात्मक पहल का स्वागत किया और उन्होंने पिछले 8 वर्षों में किए जा रहे जेवीपी मीडिया ग्रुप के सामाजिक सरोकारों का भी जिक्र किया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आइए आज के शुभ अवसर पर आज के इस पावन कार्यक्रम का विद्युत रूप से शुभारंभ एक म्यूजिक की धुन के साथ। मैं निवेदन करूंगा सम्मान्य मंत्री महोदय से, डॉक्टर कैलाश जी वर्मा साहब से कि आप पधारें, साथ में सम्मान्य सुल्तान जी, सम्मान्य पूनम जी और अन्नु आप पधारें और माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष सर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करें। सम्माननीय राज्य मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी की जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित कराया श्वेत पद्माशना, ऐसी माँ सरस्वती के चरणों में आदरणीय राज्य मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर कैलाश जी वर्मा साहब मांगलिक तिलक कर माँ सरस्वती का अर्चन कर रहे हैं ताकि महिला सशक्तिकरण का संदेश मातृशक्ति की इस वंदना के साथ में और आगे बढ़े। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मजबूती से आगे आ रही है। कार्यक्रम की इस शुभ घड़ी में मैं आरपी जोशी जी से निवेदन करूंगा जो हमारे इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं कि वो माला पहनाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन, और अन्नो जी से निवेदन करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री महोदय का स्वागत करें। अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच सुल्तान जी चौधरी साहब हैं जो बीजेपी मंडल प्रताप नगर के अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूँगा अनु जी उनका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें और मुकेश नीरज भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। आप जोशी जी आप भी मंच पर विराजे, बहुत बहुत स्वागत। के शर्मा जी का माला पहनाकर आप स्वागत करें। के शर्मा साहब का स्वागत और अभिनंदन। हाँ, विधायक जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। ये महिला बाल विकास विभाग की प्रतिनिधि है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय मंत्री महोदय को निवेदन कर दें कि यहाँ पर झेलम अपार्टमेंट और आसपास के जितने भी अपार्टमेंट्स में महिलाएं हैं फिलहाल सभी अपने हिसाब से रह रही हैं। अनु जी ने एक इनिशिएटिव पहल किया कि क्यों ना यहाँ पर ऐसा कोई स्वरोजगार का प्रशिक्षण और ऐसा महिला जागरूकता का कार्यक्रम शुरू करें ताकि उसके माध्यम से महिलाएं जुड़े और सशक्तिकरण के साथ साथ एक अच्छा पुनीत कार्य शुरू हो, और उसके लिए डिजिटल सखी के रूप में उसके स्वरोजगार के लिए, यह खुद फैशन डिजाइनर है तो कपड़े की कढ़ाई, सिलाई, प्रशिक्षण, फर्निशिंग से लेकर संपूर्ण कार्यक्रम हम उसके माध्यम से चला सकते हैं। ऐसा
इन्होंने विचार किया है। और इसमें भाई साहब आपको निवेदन कर दें, लगभग 200 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आसपास में ये तो अपार्टमेंट सोसाइटी की महिलाएं हैं, इनके अलावा आसपास की जो कच्ची बस्ती में या अलग अलग जो असंगठित मजदूर क्षेत्र हैं वहाँ की भी महिलाएँ भी अस्थायी रूप से समय समय पर प्रशिक्षण लेने के लिए वो आती रहेगी। तो ऐसी व्यवस्थाएँ अभी ऊपर विशेष रूप से उनके लिए प्रशिक्षण रूम, उनके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है वो इन्होंने व्यवस्था की है। और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा सेल्फ इनिशिएटिव इन्होंने लिया है जो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए इस शुभ अवसर पर मैं निवेदन करूंगा सोसाइटी के अध्यक्षा से कि वो स्वागत उद्बोधन अपनी दो बात रखें। पूनम जी। सम्माननीय मंच, बैठी हुई बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों और सभी मेरे भाई जिनके सहयोग से आज ये प्रोग्राम हुआ है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगी अनु जी का, जिन्होंने एक ऐसी पहल की है जो महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। और आप सब महिलाओं से निवेदन करूँगी कि आप इनका पूरा सहयोग करें, महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आएँ, आगे लेकर आएँ और इनका हाथ थामें ताकि हम भी हमारी एक जगह बनाएँ और अगले मंच हम सिर्फ महिलाओं का हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। सम्मान्य सुल्तान जी चौधरी साहब से निवेदन करूँगा कि दो शब्द वो भी शुभ अवसर पर रखें। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जेवीपी मीडिया एम बहन अनु जी, मंच पर हमारे क्षेत्रीय विधायक एम संसदीय सचिव राज्य मंत्री डॉक्टर कैलाश जी वर्मा साहब और यहाँ की स्थानीय सोसाइटी की अध्यक्षा बहन पूनम जी, मेरे साथीगण महिलाएं और सब यहाँ पे जितने विराजमान हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज ये इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हो रही है वो एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। और जो महिलाएं घर में रह कर के कुछ कर नहीं सकती उनके लिए स्वरोजगार के दिशा में एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। इसके लिए मैं अनु जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में आगे होकर के इस काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन, जिन्होंने अपने कॉलेज छात्र जीवन से ही हम सब युवाओं को एक नया नेतृत्व दिया, आपने बगरू विधानसभा की माननीय विधायक बनने के बाद जो बगरू विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर का लगभग सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत लंबी दूरी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आपने डोर टू डोर जाकर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से और यानी कि हर व्यक्ति को अपनत्व महसूस कराते हुए जो विकास की गंगाबाई है आपके अपनों के बीच में और बहुत छोटे से आग्रह पर इस कार्यक्रम में भी आप पधारे हैं, यह आपकी बहुत बड़ी महानता और बहुत बड़ा बड़प्पन है। निश्चित रूप से मैं तो व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने आपकी अनुजों को, अपने छोटे भाइयों को और ऐसे महिला सशक्तिकरण के ऐसे कार्यक्रम को हमेशा से अप्रिशिएट किया है। पिछले दिनों जब ठीकरिया में एक राजस्व कैंप लग रहा था, कड़कती धूप में जहाँ भी सरकार के जो भी प्रयास चल रहे हैं आप लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जनसेवक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम सब की ये दुआएं हैं कि आप इसी रूप से सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में नए आयाम और नए कीर्तिमान स्थापित करें। आइए बहुत अभिनंदन और आदर के साथ में आदरणीय डॉक्टर कैलाश वर्मा साहब, माननीय राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, विकास समिति के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे अपने आप को उपस्थित किया, इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई। सम्मानीय बहने, प्यारे बच्चों और जिस व्यक्ति का जिक्र मैं करूं, आज मेरे को वो दिन याद आ गया जो पिछले लगभग 6-7 साल पहले, हरिराम जी को भी याद आ रहा होगा, मेरे को यहाँ तक कि छात्र राजनीति से लेके यहाँ तक पहुँचने के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम हम जब किया करते थे और एक बार प्रोग्राम इन्होंने फागी के अंदर रखा था महाराजा सूरजमल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी लोगों का सानिध्य मिला
उन्होंने कहा कि साहब एक दिन आप आगे जाके बहुत तरक्की करोगे, बड़े स्तर के ऊपर जाओगे। उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज भी हरिराम किवाड़ा जी थे और आज आप लोगों का जो प्रोग्राम करा रहे हैं, प्रोग्राम व्यक्ति एक हो मगर वो मजबूत हो। अगर एक व्यक्ति मजबूत हो के किसी काम की नींव लगा दी, आप लोगों को पता है पांडव तो पांच ही थे, कौरवों की सेना बहुत थी, मगर जीत आखिर में उन्हीं की हुई। स्वरोजगार जिसकी हम बात करें, आप लोगों ने परसों के दिन मोदी जी की मन की बात सुनी हो, तो मोदी जी लास्ट टाइम में जब झुंझुनू जिले के अंदर पधारे थे तो एक शिविर के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से नन्ही नन्ही बेटियों के साथ में मोदी जी का गेट टुगेदर हुआ था मंच के पीछे। तो मोदी जी ने पूछा कि यहाँ की बेटियों की क्या स्थिति है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। कई लोगों ने वहाँ पे अलग अलग तरीके के बातें भी वहाँ पे पेश की, कुछ वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी वो भी वहाँ पे बताई। तो उन्होंने प्रशासनिक तौर के ऊपर लोगों को केंद्रित भी किया, निर्देश भी दिया, वहाँ के कलेक्टर महोदय को भी कहा कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर इस झुंझुनू जिले की प्रोग्रेस चाहिए मेरे को, लगभग 30-40% बेटियाँ यहाँ की स्वरोजगार के माध्यम से जुड़ जाए, अपना काम खुद करें, अपना काम करें, परिवार को चलाएं और मन की बुद्धि को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय के अंदर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उन्होंने जैसे आज हम यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हैं, ऐसे एक छोटे से स्तर के ऊपर प्रशासनिक तौर के ऊपर उसकी शुरुआत की, और लगभग कहते हुए मेरे को खुशी है कि वहाँ पर लगभग 40-50% लड़कियों ने स्वरोजगार के माध्यम से अपना रोजगार चालू किया, और उस रोजगार चालू करने के बाद में उसकी पूरी रिपोर्ट के अंदर सरकार को गई, और परसों के दिन मोदी जी ने अपनी मन की बात के अंदर राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले का जिक्र किया, जो हमारे लिए बहुत सराहने की बात। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को एक प्रशिक्षण के माध्यम से किसी भी काम के माध्यम से हम उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे, वो अपना काम करेगी। आज के जीवन के अंदर आप लोग देखते हो कि एक परिवार छोटा है, बड़ा परिवार है, केवल मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी रहती है कि जीवन के अंदर बहुत सारी कोशिश करते हैं, हम रहते हैं पास में, पड़ोसी भी रहते हैं, अगर हम सुखी से जीवन यापन कर रहे हैं, 2 टाइम का सुखी से खाना खा रहे हैं, तो पड़ोसी को भी ये हो जाएगी कि ये खुश क्यों है, इनको किसी न किसी प्रकार से इनके व्यवधान डालो, व्यवधान बढ़ता बढ़ता इस स्थिति के अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं तो परिवार के एक पति पत्नी एक घर के अंदर रहते हैं, वो भी अपनी कन्फ्यूजन की वजह से सही जिंदगी को नहीं जी सकते। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान हाथ का हुनर अगर किसी महिला के पास में है, किसी व्यक्ति के पास में है, तो हाथ का हुनर जिसके पास में है उसको कभी जीवन के अंदर किसी प्रकार की निराशा का सामना नहीं करना पड़ता, वो हमेशा आगे ही बढ़ता है। अगर अपने हाथ से किया गया काम कोई भी हो, अभी पूनम जी मेरे को बता रहे थे, मैंने आते ही यहाँ पे पूछा कि ये जो प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे करा रहे हो, इस समिति से जो भी आप लोग जुड़े हुए हो, मेरे सामने जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको कोई लोन वगैरह की भी व्यवस्था है क्या? इन्होंने बताया कि ये जो काम है इसके अंदर तो आप लोगों को व्यवस्था करानी है। मैं तो आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि राज्य सरकार की जो आपसे जुड़ी हुई योजना है, श्रम विभाग की योजना है किवाड़ा जी, जिनकी वजह से श्रम विभाग के माध्यम से जितनी भी महिलाएं इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर आए उनकी एक लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना के आज हम यहाँ पे प्रोग्राम किया, आप लोग इसकी लिस्ट की पूरी जानकारी, जब 40-50 महिलाएं हमारी इस प्रशिक्षण शिविर से जुड़ जाए उस दिन आप लोग मेरे को बता दो, सुल्तान जी को बता दो, फिर हम 50 महिलाओं के साथ में यहाँ पे बैठ जाएं, मैं श्रम विभाग के अधिकारियों को यहाँ पे लेके आ जाऊँ, उनका कार्ड बन जाए, और उस कार्ड से वो चाहे जो बिना ब्याज का लोन उनको मिल सकता है वो अपना काम कर सकती है। ये काम भी आप लोग करोगे तो आपके लिए एक अच्छा होगा, एक यहाँ का अपार्टमेंट का भी नाम होगा, एक समिति मजबूत होगी। अगर 50 महिलाओं को भी हम आत्मनिर्भर बनाते हैं और उनको लोन के माध्यम से जोड़ते हैं, एक अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए जाएगा। मैं तो विशेषकर आज मेरे को बहुत पुरानी बातें किवाड़ा जी ने याद दिलाई है, विशेषकर प्रोग्राम की ज़रूरत जहाँ पे होती है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं,
कोई प्रोग्राम का औचित्य भी निकलता है, किसी का निकलता भी नहीं है, आता है नेता भाषण दे के वहाँ से निकल जाता है। मगर जिसका औचित्य निकल जाए कम लोगों के अंदर, उससे सार्थकता, उससे बड़ी सार्थकता हो नहीं सकती। मैं आपको फिर पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी पूरी योजना आप लोग बना लें। एक पूनम जी ने मेरे को यहाँ की विकास समिति के माध्यम से कोई तार फेंसिंग के लिए, ये नगर निगम का आपका ये पार्क है, मैं इसका भी एक प्रपोजल बना के आगे तक भिजवाता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम समय रहते हुए एक तार फेंसिंग का काम आप लोगों के बीच में नगर निगम के माध्यम से जल्दी करवा दें। इसमें जो भी कोई आएगा मैं इसका पूरा प्रपोजल बना के, ये पूनम जी वैसे भी सोशल वर्कर हैं, और डीसी साहब को भी भेज देंगे, वो मिल भी लेंगे, ताकि आप लोगों का काम भी हो जाए, आपको ये भी लगे कि हमने यहाँ पे अपार्टमेंट के माध्यम से प्रोग्राम किया, उसका डेवलप के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, आत्मनिर्भर बनाने के माध्यम से हमारे को कुछ न कुछ फायदा मिला। अगली जब हम फिर से मिलेंगे, आप लोगों से जो लिस्ट आपकी बनेगी, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आएगी, उन महिलाओं को हम श्रम विभाग के माध्यम से फिर से उनके कार्ड बना सके, उनको आत्मनिर्भर बना सके, और वसुंधरा जी का जो प्रयास है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और महिलाओं की कोई योजना होगी जननी सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदर्श विद्यालय के माध्यम से जो बेटियां स्कूल के अंदर जाती है, हालांकि ये शहर का एरिया है, ग्रामीण प्रवेश का नहीं है, मगर फिर भी इसमें जितनी भी महिलाएं आएगी, मेरे को बिल्कुल पता है कि जहां पे कैंप की बात अभी हरिराम जी कर रहे थे, हम जहां जहां कैंप में जाते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यही रहता है कि वहां पे मैं श्रम विभाग से जुड़े हुए जिन लोगों को विशेष कहता हूं कि यहां पे कम से कम एक ग्राम पंचायत के अंदर 200 कार्ड बनने चाहिए, और वो भी ज़रूरतमंद लोगों के बने, ताकि उनको एक फ़ायदा मिले एक चीज़ का, वो समय रहते हुए उस कार्ड के माध्यम से उस कार्ड को लगा के, जैसे मशीन का मामला आ गया, कोई 24,000 के रुपए से अपना रोजगार चालू करना चाहते हैं और उनके पास में पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से लाएं? तो इसके दौरान ये एक राज्य सरकार की बहुत मजबूत योजना है जिनसे हम जुड़ सकते हैं, जिसमें बीमे की भी सार्थकता है, बीमा भी उससे हो सकता है, और सबसे बड़ा काम तो ये है कि वो अपने हाथ का हुनर करके अपने हाथ से अपना रोजगार कर सकते हैं। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इस भीषण गर्मी के अंदर भी आप लोग मेरे लिए रुके रहे, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करके हमने प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत की, आपने मेरे को सुना, इस योजना के बारे में समझा, और इस अपार्टमेंट के जो भी नागरिक बंधु यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी मैं बधाई देता हुआ आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और सर, जैसा आपने बताया उसके अनुसार हमने लगभग 200 महिलाओं का भी रजिस्ट्रेशन इसके लिए किया, उसके श्रम कार्ड भी बनेंगे, मुद्रा लोन भी उसका होगा डिजिटल सखी के तहत, और जो अपना कौशल यूनिवर्सिटी है जिसके पंवार साहब वाइस चांसलर है, अभी उनसे भी बात हुई है, तो उनके माध्यम से भी और डिजिटल और स्किल इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स वो चलाएंगे, ताकि उसके माध्यम से और महिलाएं प्रशिक्षित हो सकेगी। तो राज्य सरकार के जितने भी विभाग ये योजनाएं हैं उन सब से, चूँकि अनु खुद फैशन डिजाइनर है, ये कढ़ाई सिलाई प्रशिक्षण की बहुत खुद एक्सपर्ट है, इसलिए इनको ये जिम्मा दिया गया ताकि ये महिलाओं को और बेहतर तरीके से कर सके, इंसान कहते हैं। और ऐसा ये कार्यक्रम आप सबके बीच में रखा और उसको आशीर्वाद संबल दिया, और ये कल बुधवार से और विद्युत रूप से सारे संसाधनों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सपर्टाइजेशन करके हम मुझे भारत महिला शक्ति की जय।